बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, और जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज और ईमान में रखे। तो ये जो है पायों को हम लोगों ने फ्लेम पर रख दिया, और जो है इसके अंदर पानी डाला है तो ताकि ये गल जाएँ। तो ये कुछ देर में गल जाएंगे, कुछ देर में नहीं, शायद कितना टाइम लगता है, घंटा दो घंटे, हाँ इतना ही लगता है टाइम, ज़्यादा ही लगता है पाए बनने में। तो जो है ये हम लोगों ने अभी रख दिए हैं, तो इंशाल्लाह आगे की रेसिपी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो साथ साथ आपको बताती जाऊंगी इसकी रेसिपी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये अंदर स्मेल होती है एक, वो ख़त्म हो जाए। और अगर आप जो है सिरके के साथ साथ लहसुन का, ये देखें जी इसको 10 मिनट हो गए हैं, और अब मैं ये पानी ड्रेन कर लूँगी इसमें से, और फिर इसमें दूसरा पानी भरूँगी, और जो है फिर इसको मैं चूल्हे पे रखूँगी दोबारा से, और ये गलने में कुछ टाइम लेंगे। तो अभी इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं जल्दी से, और इसमें नया पानी भर लेते हैं। ओके जी, देखें जी इसमें 5 से 10 प्याज जाएंगे, एक लहसुन जाएगा और ये अदरक जाएगा, ठीक है जी। तो फिर इसको हम लोग कट कर लेते हैं, और फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। देखें जी ये हम लोगों ने इसमें पानी डाल दिया दोबारा से, और आपने इतना पानी इसमें डालना है कि ये जो पाए हैं वो इसके अंदर डिप हो जाए, ठीक है ना जी। पहले मैंने आपको दिखाया था कि हमने इसका पानी ड्रेन कर लिया था, और दोबारा इसमें पानी डाला, इतना डाला कि ये इसमें डिप हो गए, ठीक है जी। तो थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें जी ये प्याज जो है ये मैंने कट कर लिया है, और अब मैं ये पाए रखे हुए हैं चूल्हे पे, और ये जो है ये इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद हम जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और फिर हमारे पास है ये पपीता पाउडर, थोड़ा सा आपने 1 टेबलस्पून लेना है, और हमारे पास है पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, और हमारे पास है हल्दी 1 टेबलस्पून, उसके बाद हमारे पास है मिर्चें रेड 2 टेबलस्पून, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर दी हैं। ये हमारे पास 1/2 kg दही है, और ये हमारे पास है पाया मसाला, इसको हम लोग दही में ऐड कर लेंगे, और फिर जो है हम लोग इसको बनाई के टाइम डाल देंगे पायों में, ठीक है ना जी। तो इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं जी। ये मैंने वेट दे दिया ऊपर, और ये जो है ये मैंने 25 मिनट बाद अब खोलना है, ताकि पाए जो है वो सही तरह गल जाएँ। तो फिर जो है 25 मिनट बाद आपको मिलते हैं। ये देखेंगे ये जो पाया मसाला है ये मैं दही के अंदर ऐड कर लेती हूँ, तो इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बनाई के टाइम हम इसको पायों में डाल लेंगे। देखें जी ये जो है दही में मैंने पाया मसाला ऐड किया था, और कलवंजी हमारे पास, और कैम जीरा, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसकी अच्छे से बनाई करेंगे इंशाल्लाह, तो ये बहुत अच्छे टेस्टी से तैयार हो जाएंगे। हाँ जी गल गए ये बिल्कुल, तो थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएंगे, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ओके जी, अब हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तो अब ये सही सी हम लोग बुनाई करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखें जी ये कितने अच्छे लग रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, और गल गए हैं, और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो फिर इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अभी इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग पानी भी ऐड करेंगे भुनाई करने में, कह रही हैं, तो फिर उसके बाद आपको दिखाएँगे। ये देखें जी ये कितनी अच्छी भुनाई हो गई है, और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 2 कटोरे। ये मैंने कटोरा उठाया हुआ, एक और डालेंगी मामा इंशाल्लाह, एक और डालेंगी मम्मी अभी, और बहुत ही टेस्टी हमारे पाए जो है वो तैयार हो रहे हैं।
हम इनके साथ रोगनी नान बनवाएंगे अब्बू की फरमाइश में। वो भी आज वो कह रहे थे कि आज इनके साथ ना मैंने रोगनी नान खानी। तो अब मामा इसको कितना टाइम लगेगा, और 10 मिनट इसको और हम लोग वेट देंगे और फिर इंशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, ये जो है हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। और हम लोगों ने इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे जो पाए हैं ये बिल्कुल तैयार हो गए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी टेस्टी बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ महवेश अली को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।